हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट स्टडी। क्वांट स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज जो हम मैथ्स का चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है एजिस, जो कि हमारे रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है उस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, जिन बच्चों ने वो पार्ट नहीं लगाया तो उन बच्चों को एक रिकमेंडेशन है कि पहले आप रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर लगाएँ फिर एजिस पर आएँ। तो आज हम हमारी एजिस चैप्टर का करने जा रहे हैं पार्ट वन। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और कोई भी अपडेट को मिस मत कीजिए। अब आपको पता है कि एज जो भी है तीन टाइम इवेंट्स पर निकलती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन्हीं तीन टाइम इवेंट्स पर हम क्वेश्चंस करेंगे। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है ये चैप्टर शुरू करने से पहले कि दो बंदे, उनके बीच में एज का गैप कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं और मेरे फ्रेंड में आज उन एज का गैप जो है वो 4 साल का है, तो वो आज से 5 साल आगे भी 4 साल रहेगा और आज से 10 साल बाद भी 4 साल ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारी एज का गैप भी बढ़ता जाएगा। जो आज गैप है वही 10 साल बाद भी रहेगा। ठीक है, अब क्या है, अगर एक हम एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे हमें एज की पुरानी रेशियो दी गई है, फिर एज की न्यू रेशियो दी गई है और कहा गया है कि 10 मंथ्स लेटर या फिर 10 मंथ्स बिफोर या 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स बिफोर, कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट दी गई है, तो हम क्या करेंगे, वो जो 10 जो टर्म है जिसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो दोनों बंदों में ऐड होगी, दोनों बंदों के रेशियो में ऐड होगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो ये वाला मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था रेशियो प्रोपोर्शन के सेकेंड पार्ट में, जिसमें एक ओल्ड रेशियो होती है, एक न्यू रेशियो होती है और सेम नंबर ऐड हो रहा होता है दोनों बंदों में, दोनों क्वांटिटीज़ में। बस उसी कंसेप्ट में ये चैप्टर हमने करना है। आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ए और बी के बीच रेशियो, अगर उन्होंने एक्स वाई दी है तो उन्होंने कहा है कि 6 मंथ पहले और बी के बीच में क्या रेशियो होगी। तो 6 मंथ जो हैं वो ए से भी सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि 6 मंथ पहले की बात की गई है, तो बी से भी सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इनकी 6 मंथ पहले की रेशियो आ जाएगी x-6:y-6। ये सिर्फ एक कंसेप्ट था, क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इन्होंने कहा है ए और बी के बीच में जो रेशियोज़ हैं वो 6:5 है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है उन्होंने हर टाइम मेंशन ही किया हो कि प्रेजेंट एज की रेशियो जो है 6:5 है। यहाँ पर इज़ लिखा हुआ है तो इज़ का मतलब है प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। कभी कभी क्वेश्चंस में वॉज लिखा होगा तो वॉज का मतलब है पास्ट की बात चल रही है, विल लिखा होगा तो मतलब फ्यूचर की बात। ज़रूरी नहीं है उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन ही किया होगी पास्ट और प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कहती है 10 ईयर्स लेटर। लेटर का मतलब कि बाद में, आज से 10 साल बाद रेशियो हो जाएगी उनके बी एजिस की 8:7। उन्होंने पूछा कि प्रेजेंट एजिस क्या है, प्रेजेंट एजिस कौन सी थी जो 6:5 की। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने वैसे ही लिखा, ए बी लिखे, उनकी प्रेजेंट रेशियो लिखी 6:5 और जो फ्यूचर में रेशियो होगी वो है 8:7। वैसे ही सेम वैसे ही जैसे हमने रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट सेकंड में किया था। अब उन्होंने कहा है कि 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 जो है वो ऐड होंगे क्योंकि पुरानी रेशियो में जो 10 ईयर्स हम ऐड करेंगे तभी तो न्यू रेशियो बनेगी। ठीक है, 10 ईयर ए में भी ऐड होंगे, 10 ईयर बी में भी ऐड होंगे। तो क्या करेंगे, हम इनकी इंडिविजुअल क्वांटिटी को पहले देखेंगे कि क्या गैप है। 6 से 8 के बीच में है 2 यूनिट्स का गैप, 5 से 7 के बीच में 2 यूनिट का गैप। तो ये वही 2 यूनिट हैं जिसकी वैल्यू है 10। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 और उन्हें पूछी है प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस की रेशियोज क्या है, 6:5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 6 यूनिट की हो जाएगी 30 और 5 यूनिट की हो जाएगी 25। तो उनकी प्रेजेंट एजेस आ जाएगी, ए की आ जाएगी 30 ईयर्स और बी की आ जाएगी 25 ईयर्स। बस यही वो क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बीच में रेशियो थोड़ी अलग अलग होगी, कोई डिफिकल्टी लेवल कुछ हाई नहीं होगा। ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपका रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर अच्छे से आपने पढ़ा है, अच्छे से कंप्लीट किया है, उसके सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बच्चों के खेल के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:6, 16 ईयर बैक, यानी कि आज से 16 साल पहले की बात चल रही है, अब माइनस होगा। द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिटवीन देम विल बी 9:14। वट इज़ द रेशियो बिटवीन देयर एजेस 3 ईयर्स हैंस, 3 ईयर्स हैंस, हैंस का मतलब फ्यूचर। ठीक है, 3 साल बाद वो आप प्रेजेंट से बात, जब भी ये 3 ईयर्स हैंस लिखा होता है ना, प्रेजेंट से 3 साल आगे जाने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। हमने प्रेजेंट लिखी 5:6, पास्ट लिखी 9:14। अब इनका इंडिविजुअल गैप देखना है, 5 और 9 में 4 ऐड हो रहे हैं, 6 और 14 में 8 ऐड हो रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो आप यही देख लोगे कि अगर पास्ट की बात चल रही है तो कभी भी कोई क्वांटिटी ऐड नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
ऐसे भी आपने देख लिया कि इंडिविजुअल जो है इनकी गैप जो है अलग अलग आ रहे हैं, एक का 4 आ रहा है, एक का 8 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था अगर डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट आ रही है और क्वेश्चन में सेम ही गैप कहा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके इंडिविजुअल रेशियो जैसे प्रेजेंट की रेशियो का गैप निकालेंगे और पास्ट की रेशियोज़ का गैप निकालेंगे। तो 5 और 6 के बीच में कितने का गैप आ गया, 1 का, और 9 और 14 के बीच में कितने का गैप आ गया, 5 का। 5 हम प्रेजेंट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 हम पास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पास्ट वाला तो चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट वाला बन जाएगा 25:30। अब हम पुरानी वाली भूल जाएंगे, अब हम इसी पे काम करेंगे। अब प्रेजेंट एज है उनकी 25:30 और पास्ट की एज थी 9:14। अब आपको दिख रहा है कि अब प्लस नहीं हो रहा, अब माइनस होगा, ठीक है। कितने का गैप आ रहा है, 16 का आ रहा है ए में और 16 का ही आ रहा है बी में, और क्वेश्चन में भी यही चीज़ कही हुई है कि 16 ईयर्स बैक, तो 16 यूनिट की वैल्यू आ गई 16 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 ईयर। अब उन्होंने पूछा है कि उनकी एजेस के जो रेशियो है 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें उनकी आज की एज निकालनी पड़ेगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 ईयर है तो उनकी प्रेजेंट एज भी तो 25 और 30 होगी, ठीक है। ए की प्रेजेंट एज आ गई 25, 3 साल बाद क्या हो जाएगी ए की एज, 28। बी की प्रेजेंट एज आ गई 30, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 33। और उन्होंने रेशियो पूछी है, तो 28:33 इज द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी 3 ईयर्स हेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए की प्रेजेंट एज इन्होंने 30 दी है। अब ये क्वेश्चन रेशियो से नहीं स्टार्ट हुआ, ये डायरेक्ट एक एग्जैक्ट वैल्यू से स्टार्ट हुआ। 5 ईयर्स अगो यानी 5 साल पहले द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 5:7, ठीक है। 5 साल पहले उनकी रेशियो के बीच में जो जो थी एज की जो रेशियो थी वो थी 5:7, ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 17 ईयर्स हेंस। अब देखिए, हर क्वेश्चन आपको पेन पेज पे लिखकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हर क्वेश्चन पेज पे लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये क्वेश्चन हवा में भी हो जाएगा। मैं पहले आपको बताऊंगा कि हवा में कैसे हुआ। ए की एज है अभी 30 और उन्होंने 5 साल पहले की बात की है, तो 5 साल पहले एज की क्या होगी, ए की एज क्या होगी, ए की एज होगी 25 ईयर्स, और 5 साल पहले की रेशियो भी दी हुई है। ए की रेशियो की वैल्यू आ रही है 5 यूनिट, 5 यूनिट को हम 25 से कंपेयर करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। अब उन्होंने कहा है कि उनकी जो एज है 17 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, तो एक चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता, तो एज का डिफरेंस जो रेशियो में दिया हुआ है वही होगा। तो 5 और 7 के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 2 यूनिट्स का। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपने 5 निकाली है तो 2 यूनिट की हो जाएगी 10, और वही 10 ईयर्स जो है इनकी एज का गैप होगा। अब इसका सोल्यूशन 1 बाय 1 करके देखते हैं। हमने ए की लिखी प्रेजेंट एज 30, उन्होंने 5 साल पहले की बात की थी, 25 ईयर्स आ गई 5 साल पहले की एज। अब रेशियो भी उन्होंने दी है 5 साल पहले की, वो है 5:7। हम एज्यूम कर लेंगे कि ए की जो 5 साल पहले की एज थी वो 5 यूनिट ही थी, तो एक हमने एज्यूम की हुई है, एक हमें एग्जैक्ट दी गई है। 5 यूनिट को हमने 25 से कंपेयर किया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 ईयर्स, ठीक है। अब आप एक चीज़ कर सकते हैं, या तो आप बी की प्रेजेंट एज निकालो, ए की प्रेजेंट एज दी हुई है, अब इनमें 17 17 ऐड करो, फिर इन्हें माइनस करो, तो आपको गैप मिलेगा। पर जैसा कि मैंने आपको कहा, गैप तो सेम ही रहता है हमेशा, तो इतना झमेला करने के बजाय सीधा आप रेशो में ही इनको माइनस कर लो। 7 - 5 होंगे 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 5 ईयर, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 10 ईयर, यानी उनकी एज का डिफरेंस जो है वो अगर आज 10 साल का है तो आज से 17 साल बाद भी 10 साल का ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी की रेशो दी गई है 5:x में, ठीक है। इस बार x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, हमें पूरी रेशो दी नहीं गई है। इन्होंने कहा है ए जो है वो c से 18 साल छोटा है, 9 साल बाद c जो है 47 ईयर्स का हो जाएगा। अब जो डिफरेंस है उनकी a और b की एज का वो कितना है, वो c की प्रेजेंट एज से 2 साल ज़्यादा है। अगर c की प्रेजेंट एज 16 है तो a और b की होगी 18, वैसे ही c की अगर 20 है तो a और b का गैप होगा 22, ठीक है। जो भी एज आएगी उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। अब सबसे पहली लाइन तो अभी हमारे लिए वर्थलेस है, क्योंकि वो 5:x है, उसे करने का जरूरत नहीं। हम नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। ए जो है 18 साल छोटा है, इससे भी अभी कुछ नहीं निकलेगा। अब इन्होंने कहा है सी जो है आज से 9 साल बाद 47 का हो जाएगा, तो अगर हम 47 में 9 साल माइनस कर दें तो उसकी आज की एज आ जाएगी, तो सी की आज की एज आ गई 38 ईयर्स, ठीक है। अब इन्होंने कहा है ए जो है वो उससे सी से 18 साल छोटा है, तो 38 में 18 माइनस करोगे ए की एज आ जाएगी 20 ईयर्स, ठीक है। अब इन्होंने कहा है ये आ गई ए की प्रेजेंट एज। अब इन्होंने कहा है बी और ए में जो गैप है, ठीक है, जो गैप है वो सी की प्रेजेंट एज से 2 साल ज़्यादा का है, यानी सी की प्रेजेंट एज 38 है, तो ए और बी के बीच में कितने का गैप होगा, ए और बी के बीच में गैप होगा 40 का, ठीक है। तो अब ए तो 20 है, अगर हम ए को बड़ा मानेंगे फिर 40 का गैप निकालने जाएंगे वो तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो हो नहीं सकता। तो इससे ऑब्वियस ही बात है कि बी बड़ा होगा। ए 20 ईयर है, इनके बीच का गैप 40 है, तो बी कितना होगा, बी होगा 60 ईयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि
ए और बी के बीच जो उन्होंने रेशियो दिए वो है 5:x, ठीक है। और अगर इधर हम निकालें तो ए और बी के बीच आ रही है 2:6 की रेशियो, 20 और 60 को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर दें 2:6 आएगा। अगर 2:6 को और शॉर्ट करें तो वो 1:3 आएगा। 1:3 रेशियो हमने निकाली है, 5:x उन्होंने दी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी करके ये जो 1 वाली टर्म है ए की, इसको 5 में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे 5 में कन्वर्ट होगा, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी टर्म को, ए इज टू बी की पूरी रेशियो को। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज टू बी आ जाएगा हमारे पास 5:13। अब क्वेश्चन में दिए हुए 5:x के हिसाब से हमारा 5 मैच हो गया है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम उसे टैली करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। a और b के बीच में 14 साल का डिफरेंस है, जो 14 साल आज का डिफरेंस है वो 10 साल बाद भी 14 साल का ही रहेगा, याद रखना। 7 साल पहले उनकी रेशियो जो थी एजिस की वो 5:7 थी, ठीक है। हमें बताना है बी की प्रेजेंट एज क्या है। हमारे पास रेशियो ए की दी है 5:7 और जो एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है वो है उनकी एज के गैप की। तो हम 5:7 में से गैप निकाल लेंगे। गैप कितने का आ रहा है, 2 यूनिट्स का, ठीक है। 2 यूनिट्स का आ रहा है हमारे पास गैप, और क्वेश्चन में उस गैप की एग्जैक्ट वैल्यू है 14 ईयर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7 ईयर्स, ठीक है, कंपेयर करने पे। अब 7 साल पहले बी की एज क्या होगी, 7 × 7 49 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बी की, 49 में आप 7 ऐड कर दोगे, 56 ईयर इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज टू बी। इसी क्वेश्चन के साथ आज जो हमारा एजिस का फर्स्ट पार्ट है हम इसे यहीं पर एंड करेंगे। कल मैं आपको थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा, हो सकता है उनका लेवल इनसे थोड़ा बड़ा हो, या हो सकता है वो इनसे टोटली डिफरेंट हो, वो आपको अलग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका, एजिस का पार्ट 2 आएगा, उसी में पता चलेगा। मेरी एक बार फिर से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर ज़रूर करें। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपके इसमें किए हुए बहुत सी ट्रिक्स को मिस करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि वो ट्रिक कैसे आई, हमने कैसे सॉल्व किया है। वो सारी ट्रिक्स जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में, जिसके डायरेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।